शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने यहां गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित श्री दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में गोरखपुर मंडल के विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री शनिवार को हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल और शोध संस्था में हाई मल्टीपल लीनियर एक्सीलेटर का लोकार्पण करेंगे। अच्छा लगा ये सम्मान जो हमको मिला और जो भी कुछ यहाँ पे हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सब कुछ। क्या कहना चाहिएगा बाकी लड़कियों को? और लड़कियों को ऐसे ही कहेंगे कि मतलब ऐसे ही आप वर्क करिए और मेहनत करिए और इसी तरीके से आप भी कोशिश करिए कि आपको भी इस तरीके से सम्मान मिले। जी सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और टेनिस बॉल क्रिकेट में मैंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व लगातार 5 वर्षों से किया है, जिसमें मैं स्वर्ण पदक लिया हूँ अपने प्रदेश के लिए और देश का भी नेतृत्व मैंने श्रीलंका, दुबई, यूएई, भूटान और नेपाल में किया है, उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया। अगर आप स्पोर्ट्स को अपनी प्रोफेशनल फील्ड चुनते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है, आप डेडिकेशन के साथ स्पोर्ट्स में अपनी फील्ड चुनिए, उन्हें आगे बढ़िए और अपने जिले, अपने प्रदेश और अपने देश का मान बढ़ाएं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील भी हो रहा है कि हाँ गेम से मतलब इतना सम्मान मिला, अच्छा ही लग रहा है इतना आज उनके सामने, सबके सामने मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको किसने सम्मान मिला है? ये हमारा बास्केटबॉल नेशनल जूनियर शिप में मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको सम्मान किए, क्या कहना चाहिए बाकी लड़कियों? बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आई विश कि हम भी